एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, इसके पहले जो हमने कुंडली बनाई थी, किस तरह से हमारा सुखी जीवन हो सकता है, जिस तरह से हमने देखा कि गुरु शुक्र और सप्तम भाव अच्छे प्रभाव में है, अच्छी स्थिति में है, केंद्रकरण में है, तो वो तो अच्छे योग से अच्छी कन्या या पति मिलने का योग बनता है। परंतु आप जो जातक और जातिका है, आपकी कुंडली में कुछ योग बने हुए हैं, तलाक के योग बने हुए हैं। मान लो आपका सप्तम भाव जो है आप लोगों कुंडली में वो पीड़ित हो, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो, जो कारक हमने बताया बृहस्पति और शुक्र पीड़ित हो, तो इस तरह के तलाक के योग बन रहे हैं या अशुभ स्थितियां बन रही है, तो आपको उसको किस तरह से हम जो उनकी शांति करा के, जो कुयोग बना रहे हैं ग्रहों की शांति करा के और इस तरह के तलाक के योग वाले ग्रहों को हम उनके मंत्रों के जाप करा के और कुंडली मिला के, कुंडली मिलान में जितने अच्छे गुण मिल रहे हो मंगल से मंगल का मिलान करके उन कुयोगों को घट या हो जो भी बोले व्याह क्या बोला जाता है वो सब करके, महामंत्र जी के जाप करके, इस तरह के जो भी चीजें अगर ऐसी स्थितियां बन रही है तो आप उनको हम अपने कुंडली में देखें और उनका उचित उपाय करके, निदान करके, जप के द्वारा, तप के द्वारा और अपने इष्ट देव की आराधना के द्वारा, कुल देवता की आराधना के द्वारा उन कुयोगों को कमजोर करके हमें शादी करना चाहिए। आप ये देखिए कि एक उदाहरण के लिए जो भी लग्न हो आपका, आप देखिए कि सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, मतलब सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हो या सप्तम भाव पाप करते, यहाँ देखिए सप्तम भाव पाप कर्त्री में है, ये जो पापी ग्रहों के बीच में आ गया, फिर सप्तम भाव का स्वामी जो है शुक्र है वो पापी ग्रहों के साथ में शनि राहु केतु के प्रभाव में आ गया। ऐसे ही देखते हैं कि बृहस्पति जो शादी का चलाने का, पत्नी के या जो भी कन्या का बृहस्पति अच्छा होना चाहिए परंतु वही केतु के प्रभाव में आ रहा है। अन्य शुक्र जो शादी चलाता है वो भी पीड़ित है, बृहस्पति जो शादी चलाता है कन्या कुंडली में वो भी पीड़ित है, पाप प्रभाव में है और सप्तम भाव भी पीड़ित है। सप्तम भाव का स्वामी और जो कारक है शुक्र और बृहस्पति ये सब पीड़ित है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये स्थिति तलाक की स्थिति बना देती है और आपका वैवाहिक जीवन को खराब करने की स्थिति बना देती है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो आप जब शादी करें तो दूसरी कुंडली ऐसी हो कि जैसे मंगल है तो मांगलिक मिलाना जरूरी हो गया, फिर जितने ज्यादा गुण मिलेंगे उतनी अच्छी है, वो आपके संस्कार में अधिक से अधिक गुण मिलना चाहिए जिससे कि वो संस्कार अच्छे बढ़ जाएं। फिर हम देखें कि जो ग्रह हमें इस तरह के प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उस जो कुयोग बने हुए हैं वो मांगलिक दोष के लिए मंगल से मंगल मिलाना चाहिए, नाड़ी दोष के लिए महामंत्र जी का जाप करके उसके परिहार को देखना चाहिए और भकुर दोष बन रहा है तो उनके परिहार देखना चाहिए। इस तरह के परिहार देख के उनको कमजोर किया जा सकता है और अपना जो भी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तलाक के योग बने हैं, ऐसी स्थितियां बन रही है, तो आप पीपल के वृक्ष से, शालिग्राम से, यथा विधि विवाह का पूछ के, ब्राह्मण से, शास्त्री जी से पूछ के वो करा के, स्वर्ण का दान करें, गाय का दान करें, महामंत्र जी का जाप करें, इस तरह से आप सब चीजें करेंगे तो आगे आपको जो है कन्या है या जो भी है आपकी शादी है वो आपको आगे के लिए अच्छा कर सकते हैं, पुत्र भी देगी, सौभाग्यशाली भी हो सकेंगे, धन आदि भी आपको देंगे। तो जो भी दोष बन रहे हैं वो ग्रहों के, शुक्र के, बृहस्पति के जो है उनके मंत्रों के जाप करें, राहु शनि जो केतु जो पापी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो उनके भी दान करके, उनके मंत्रों के जाप करके उनको प्रभाव को कमजोर करना चाहिए, हनुमान जी की प्रार्थना करना चाहिए, शनि जी का आराधना करना चाहिए तथा पीपल के वृक्ष का जल चढ़ाना चाहिए और
ओम नमो भगवते वासुदेवा का पाठ करना चाहिए, इस तरह से बहुत से उपाय हैं, वो लग्नों को बलवान करना चाहिए, इस तरह से इष्ट देवता कुल देवता की आराधना करके उन योगों को कमजोर किया जा सकता है, प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे योग मान लो आपकी कुंडलियों में बने हुए हैं, तो कुंडली मिलाने में देखें जितने ज्यादा गुण मिले मंगल से मंगल को मिलाएं, दूसरे जो योग हैं उनके परिहार देखना चाहिए, महामंत्र जी का जाप करना चाहिए, और स्वर्ण का दान है गोदान करना चाहिए विवाह के टाइम पे, ये सब करके कुंभ विवाह करा के इस तरह के जो भी प्रभाव है उनको कमजोर करके आप अपनी शादी को बनाए रख सकते हैं, और तलाक की स्थिति भी नहीं बनेगी, और ऐसी ऐसी स्थिति अच्छी करके जीवन पर्यंत उन घरों के प्रभाव को कमजोर करने के लिए अपने को जो हमने बताया सरल से उपाय वो कीजिए, वो उपाय करते हुए आप अपने ऐसी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। आपने हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारी चैनल स्टार सिंप्लीफाइड का सब्सक्राइब कीजिए, टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कीजिए, साथ में कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने हमारे वीडियो देखा, चैनल सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।